हेलो दोस्तों, हमें आस्क डिफाइन एज हैशटैग से पूछे गए कुछ कमेंट्स में काफी क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू टाइम फ्रेम और टिक चार्ट्स। तो आज इस वीडियो में ये सारा डिस्कशन एक तरह से समराइज करते हैं, आई ट्राई टू एक्सप्लेन इन डिटेल। तो समझ लेते हैं टाइम फ्रेम को, फिर आते हैं टिक चार्ट पे। तो बात करते हैं पहले इंट्राडे चार्ट्स की। इंट्राडे में हम लोग जो टाइम फ्रेम यूज करते हैं, नॉर्मली मान लीजिए आप ये कैंडल स्टिक चार्ट है और ये कैंडल का अगर हम टाइम फ्रेम की बात करें तो होता है 5 मिनट कैंडल, 15 मिनट कैंडल, 60 मिनट एंड सो ऑन। मतलब अलग अलग स्ट्रेटेजीज, अलग अलग टाइम फ्रेम पे लोग बात करते रहते हैं, है ना। अब जब ही हमें टाइम फ्रेम की बात करते हैं, मैं एक एग्जांपल लेता हूं 5 मिनट का। मान लीजिए 5 मिनट का एक कैंडल स्टिक चार्ट है, तो 5 मिनट तक ये जो कैंडल है, जब तक आपने ये कैंडल स्टार्ट हुआ, जब तक ये 5 मिनट कंप्लीट नहीं होते, ये कैंडल मूव होते रहेगा, है ना, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस जो है वो लॉक नहीं हुआ है। ये 5 मिनट के बाद लॉक होता है और फिर दूसरा कैंडल आता है। अब ये 5 मिनट तक मान लीजिए आप कोई स्ट्रेटेजी इसमें फॉलो कर रहे हो या ऑब्जर्व कर रहे हो। एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं आरएसआई क्रॉसओवर का। जैसे इसमें आरएसआई है और आप देख रहे हो कि ये क्रॉसओवर आरएसआई अपने मूविंग एवरेज को क्रॉस करे, तो आप यहां पे ट्रेड करोगे। इस टाइप का मान लो एक सिंपल सा स्ट्रेटेजी है। अब 5 मिनट तक क्या होगा कि ये जो आरएसआई का क्रॉसओवर है ये आएगा जाएगा, ठीक है, बिकॉज 5 मिनट तक ये क्लोजिंग प्राइस अभी लॉक नहीं हुआ, ये मूव होते रहेगा, कैंडल का बॉडी मूव होते रहेगा और ये इंडिकेटर के, ज्यादातर इंडिकेटर के कैलकुलेशन क्लोजिंग प्राइस पे होते हैं, तो वो मूव होते रहेगा, इसके साथ ये भी मूव होते रहेगा। तो क्रॉसओवर आएगा फिर चला जाएगा, या ऐसे कोई भी और आप इंडिकेटर या और प्राइस पैटर्न भी सिंपल कैंडल स्टिक का देख रहे हो तो भी वो मूव होते रहेगा। तो आपको वेट करना पड़ेगा कि 5 मिनट कंप्लीट हो, तब एक्चुअली वो लॉक होता है। अब ये 5 मिनट हो या 15 मिनट हो या 60 मिनट हो या कोई और टाइम फ्रेम हो, यहां ये प्रॉब्लम है ही। मतलब जब तक वो कैंडल लॉक नहीं होता, आप एक्चुअली डिसीजन ले नहीं सकते टेक्निकली। अब क्या होता है कि बहुत सारे स्ट्रेटेजीज पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव नहीं होते हैं। कुछ लोग चार्ट्स को रीड करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, एनालाइज करते हैं और उस बेसिस पे डिसीजन लेते हैं, तो थोड़े सब्जेक्टिव डिसीजंस होते हैं। मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं होता है कि वो हुआ, क्रॉसओवर हुआ या वो स्ट्रेटेजी क्वालिफाई हुआ फिर वो ट्रेड डालते हैं, थोड़ा जजमेंट भी होता है। तो वहां शायद ये प्रॉब्लम ज्यादातर रियलाइज नहीं होता है कि ये एक तरह का प्रॉब्लम है ना। अब जो बिल्कुल रूल बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, मतलब अल्गो ट्रेडिंग करते हो या एकदम सिंपल रूल बेस्ड ट्रेडिंग करते हो जहां पे ऑब्जेक्टिविटी है, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव है, वहां पे ये एक तरह से प्रॉब्लम होता है के क्रॉसओवर आए तब एग्जीक्यूट करे या वेट करे क्लोजिंग पर। आपके पास वैसे तो दो ही ऑप्शंस है, राइट। मतलब अगर यहां पे क्रॉसओवर हुआ और आपने ट्रेड डाला, उसके बाद देयर आर चांसेस कि क्रॉसओवर चला जाएगा, ठीक है, तो उसको कैसे हैंडल करना है। दूसरा है कि आप क्लोजिंग प्राइस तक वेट करो एंड देन ट्रेड करो, या नेक्स्ट कैंडल के ओपनिंग प्राइस पे आप ट्रेड कर सकते हो, ऐसा कुछ। उस केस में ये प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन बहुत बार क्या होगा, 5 मिनट खत्म होते होते प्राइस ऑलरेडी बहुत शूट हो जाएगा, तो फिर जो चार्ट पे हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं या कभी बैक टेस्टिंग में देखते हैं, वो रिजल्ट नहीं आ पाते जब हम प्रैक्टिकली ट्रेडिंग करते हैं, बिकॉज ऑफ दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, है ना। कि आपने देखा था चार्ट पे तो ये क्रॉसओवर के बाद बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन जब एक्चुअल ट्रेड करने गए तो ये ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं। कभी कभी कुछ ट्रेडर्स को रियलाइज होता है, कभी कभी नहीं होता है। तो इसलिए डिफरेंस होता है कि बैक टेस्ट किया हुआ या देखा हुआ स्ट्रेटेजी और एक्चुअली एग्जीक्यूट किया, उसमें ये सारे डिफरेंसेस होते हैं। तो अलग अलग लोग इसको अलग अलग तरह से हैंडल करते हैं, बट पहली बात तो ये प्रॉब्लम पता होना बहुत जरूरी है। किसी भी चार्टिंग मेथड पे दिस इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। देर आर वेज टू हैंडल इट। मतलब एक तो है आप क्लोजिंग प्राइस तक बिल्कुल वेट करो और अगर वो प्राइस मूव हो गया तो हो गया, लिव इट। ये एक तरीका जरूर है इसको हैंडल करने का। तो पहले तो किसी भी टाइम फ्रेम में जब हम करें, ये प्रॉब्लम है 5 मिनट, 15 मिनट या एनी अदर टाइम फ्रेम। तो इसको हैंडल करने का एक तरीका क्या है कि ये टाइम फ्रेम हम जितना हो सके कम करें, तो ये जो वेट करने का पीरियड हो वो कम हो जाए। बट वो डिपेंड करता है स्ट्रेटेजी पे भी कि 5 मिनट वैसे भी कम है और उससे भी कम जाए तो ये बहुत बार पॉसिबल नहीं होता स्ट्रेटेजीज के लिए, और बहुत ज्यादा नॉइज भी ऐड हो जाता है, चार्ट बहुत मूव करेगा। अब ये सेम प्रॉब्लम पॉइंट एंड फिगर या रेंको चार्ट में भी है, ये चार्ट स्पेसिफिक तो इश्यू है नहीं। जैसे पॉइंट एंड फिगर में अगर ये कॉलम ऑफ एक्स है, ठीक है, और फिर ये कॉलम ऑफ ओ आया और फिर कॉलम ऑफ एक्स है, मान लीजिए यहां अभी प्राइस है, ये डबल टॉप बाय सिग्नल है फॉर एग्जांपल, तो प्राइस ये प्रीवियस एक्स के ऊपर गया। अब मान लीजिए 5 मिनट का पॉइंट एंड फिगर चार्ट है, तो जब तक 5 मिनट कंप्लीट नहीं होता, ये एक्स आएगा या जाएगा,
है ना, बिकॉज ये कैंडल जैसे मूव होता है, ये इसमें क्या होगा, ये हर कॉलम एक टाइम फ्रेम का तो है नहीं। मान लीजिए इस टाइम फ्रेम पे 5 मिनट तक ये 2x बने हैं, फिर वो हो सकता है 2x चले जाए या 1x चला जाए या इसके बाद O आ जाए फिर X आ जाए, ये 5 मिनट कंप्लीट होने तक ये चार्ट हिलेगा। सेम वे जब रैंको चार्ट है उसमें इस तरह से ये ब्रिक बना है, तो 5 मिनट में मान लीजिए ये 2 ब्रिक आए हैं, अब हो सकता है 1 ब्रिक चला जाए, 2 ब्रिक चले जाए, फिर आ जाए, तो ये चार्ट इस तरह से मूव होंगे जब तक 5 मिनट कंप्लीट नहीं होता है। अब सेम प्रॉब्लम 15 मिनट में या और किसी भी टाइम फ्रेम में है ना, तो बहुत लोग को लगता है कि ये चार्ट रीपेंट होते हैं, तो दोस्तों रीपेंट नहीं होते, ये जब तक टाइम फ्रेम कंप्लीट नहीं होता है तब तक ये मूव करेंगे जैसे कैंडलस्टिक भी मूव करता है। एक बात और है कि इसमें अगर आप ATR बॉक्स वैल्यू या ब्रिक वैल्यू ले लो तो ये चेंज हो सकते हैं चार्ट, बिकॉज ATR चेंज हो जाता है। तो ये टाइम फ्रेम की प्रॉब्लम आपको समझ में आए, ये हर जगह है, ये प्रॉब्लम इन अ वे ये एक उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये उसका फीचर है, ऐसा होगा ही, एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड और उसको डील करना है। तो P&F और रैंको में मुझे एक चीज समझ में क्या आ गई, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना, ये बॉक्स का वैल्यू या ये ब्रिक का वैल्यू, तो बॉक्स साइज या ब्रिक साइज, इसको हम लिवरेज करके या इसका हम बेनिफिट लेके हम लोएस्ट पॉसिबल टाइम इंटरवल में जा सकते हैं। तो लोएस्ट पॉसिबल टाइम इंटरवल क्या है, 5 मिनट के बाद लोएस्ट इज 1 मिनट, कि 1 मिनट पे आ जाओ तो ये प्रॉब्लम 1 मिनट तक ही रहेगी, मतलब 1 मिनट तक आपको वेट करना है, देन यू कैन एग्जीक्यूट। तो 1 मिनट तक ये बॉक्स में एक्स या ओ आएगा या जाएगा या ब्रीक आएगा या जाएगा, तो एकदम लोएस्ट हम टाइम फ्रेम पे चले गए, तो ये प्रॉब्लम बहुत मिनिमाइज हो गया। और इसके बाद बिल्कुल 1 मिनट में, देखिए 1 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट तो हम शायद इमेजिन ही नहीं कर सकते ट्रेड करने का, हर मिनट पे कैंडल आएगा और बहुत ज्यादा नॉइस हो सकता है, प्राइस बहुत मूव करेगा। लेकिन P&F और रैंको भी पॉसिबल है, क्योंकि 1 मिनट में भी ये हो सकता है कि आपके पूरे दिन के कॉलम्स ज्यादा ना हो, बिकॉज यहाँ पे तो आप जो प्लॉटिंग क्राइटेरिया है इसमें बॉक्स का साइज इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए 5 पॉइंट्स का एक्स है, तो जब तक प्राइस 5 पॉइंट्स मूव नहीं होगा ये एक्स आएगा नहीं, तो चाहे वो 1 मिनट टाइम फ्रेम हो लेकिन 5 पॉइंट्स के मूव के बाद ही वो एक्स आएगा। तो लोएस्ट पॉसिबल जो टाइम फ्रेम में ये चार्ट बहुत अच्छे से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, एक तो ये प्रॉब्लम मिनिमाइज हो जाता है, प्लस ये जो 1 मिनट है यहाँ पे इट इज जस्ट अ डेटा फ्रीक्वेंसी, पॉइंट एंड फिगर या रैंको के केस में ये जो टाइम फ्रेम है ना ये डेटा फ्रीक्वेंसी बन जाता है, मतलब हर मिनट के बाद वो प्राइस लॉक हो जाएगा, मतलब आएगा हर टिक के बेसिस पे वो अपडेट होते रहेगा लेकिन 1 मिनट बाद वो प्राइस पैटर्न लॉक हो जाएगा। तो हम हर 1 मिनट बाद का प्राइस जो है वो कंसीडर करते हैं टू लॉक द पैटर्न। तो इस तरह से ये एकदम ट्रेडेबल चार्ट बन जाते हैं। इनफैक्ट 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आप पोजिशनल ट्रेडिंग भी कर सकते हो। तो ये देखिए निफ्टी का 1 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है, जैसे ये है ना, ये डे सेपरेटिंग लाइन है, ये अभी मार्केट चल रहा है और ये आज सुबह से 3 ही कॉलम है 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। अब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लास्ट 2 सेशन जो निफ्टी में वो खासकर साइडवेज रहे, तो अच्छा एग्जांपल है दिखाने के लिए। देखिए 1 मिनट टाइम फ्रेम है और जहां पे ये निफ्टी का ये पूरे दिन का 1, 2, 3, 4, 5 या 6 कॉलम में जो पूरा पैटर्न है वो हमें दिख जाता है, तो हार्डली एनी सिग्नल, पूरा साइडवेज टाइप का रहा है। और इंपॉर्टेंटली ये 1 मिनट पे है, तो 1 मिनट पे जब आप इस तरह से डेटा देखते हो यहाँ पे आप तो इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकते हो। अगर मैं इसका बॉक्स वैल्यू बढ़ा दूं, मतलब ये 20 मार्च के आसपास का लो है और ये अभी है 31 मई, मतलब ऑलमोस्ट 2-2.5 महीने का ये जो पूरा पैटर्न है ये 1 मिनट टाइम फ्रेम पे है। यहाँ पे अगर आप कोई पैटर्न इंडिकेटर लगा तो आप पोजिशनल ट्रेडिंग भी कर सकते हो, राइट, और ये बॉटम से स्टॉप लॉस के साथ ट्रेंड को ट्रेल कर सकते हैं, ऑल दैट, मतलब स्ट्रेटेजीज अलग अलग हो सकते हैं। मेरा बोलने का मतलब यह है कि हमने ये बॉक्स साइज को लेके हमने इस पूरे चीज को एक तरह से लिवरेज किया, मतलब 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आप कितना सर्च कर सकते हो, इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, मोमेंटम ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, ये सब कुछ। तो ये हम इस चार्टिंग मेथड के प्रॉपर्टी को लिवरेज कर रहे हैं। ये सेम चीज रैंको पे भी पॉसिबल है, 1 मिनट टाइम फ्रेम है, 0.25% ब्रिक साइज है, ये मैंने डी स्मार्ट लगाया जस्ट टू शो कि आप इंडिकेटर लगा के भी इसको ट्रेड कर सकते हो, कोई और भी स्ट्रेटेजी पॉसिबल है। तो ये पोजिशनल ट्रेडिंग टाइप हो जाता है ऑन अ लोएस्ट टाइम फ्रेम। ऑफकोर्स आप ब्रीक वैल्यू घटा के इंट्राडे ट्रेड भी कर सकते हो, लेकिन दोनों केस में आप पॉइंट एंड फिगर, रैंको, ऐसे केस में अगर आपको थोड़ा ज्यादा एक्टिव ट्रेडिंग करना है तो ब्रीक साइज या बॉक्स साइज घटा सकते हैं और पोजिशनल ट्रेडिंग करना है तो बढ़ा सकते हैं। तो दोनों केस में आपका जो नंबर ऑफ ट्रेड्स है, जो ओवर ट्रेडिंग बहुत बार एक कॉमन प्रॉब्लम है, तो बिकॉज सिग्नल्स ही कम हो जाएंगे तो ट्रेडिंग अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा, नंबर ऑफ ट्रेड्स जो है वो कम हो जाएंगे
और थोड़ा सा जो ट्रेड्स का परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव हो जाएगा, तो प्रोडक्टिविटी ऑफ ट्रेड्स कैन इंप्रूव। ये हम लोग टाइम फ्रेम को जो है ना एक अलग तरीके से यहाँ पे उसका यूज कर रहे हैं विद पी एंड एफ एंड रेंको के प्रॉपर्टीज। एक्चुअली ऐसी कुछ चीजें लाइन ब्रेक और कागी चार्ट में भी है, लेकिन उसपे मैं जब बात करूंगा तो डिटेल में मैं ये चीज भी उसमें कवर करूंगा उन चार्टिंग मेथड्स में। द आइडिया इज ये चार्टिंग मेथड अलग अलग तरीके है प्राइस को देखने का। कभी कभी आप सेम इंस्ट्रूमेंट को अलग अलग चार्ट से ट्रेड करो, आपके पे ऑफ अलग अलग होते हैं, जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। जो एक टॉपिक है रिलेटेड टू नॉन को रिलेटेड मल्टीपल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, उसके ऊपर कभी और डिटेल में बात करेंगे। अब देखिए, हमने 1 मिनट टाइम फ्रेम का तो बात किया, उससे भी कम और क्या हो सकता है ना। 1 मिनट से लोएस्ट पॉसिबल टाइम इंटरवल, उससे भी कम हो सकता है। फिर जो सबसे कम वाला चीज है वो है टिक बेसिस पे, मतलब हर टिक जब आए तभी चार्ट प्लॉट करो। तो ये देखिए, ये चार्ट है, मैंने यहाँ पे अदानी एंटरप्राइजेस लिया है बिकॉज ये थोड़ा फास्ट मूवर है तो दिखाने के लिए अच्छा है। तो देखिए, ये टिक चार्ट है अदानी एंटरप्राइजेस का अभी का, और ये हर टिक पे मूव हो रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे टिक आ रहा है ये चार्ट बनते जा रहा है, और इसको लाइन फॉर्मेट में शो किया है। ये अगर मैं पूरे दिन का इसका टिक चार्ट अगर दिखाना भी जाऊं तो कभी कभी एक फ्रेम में पॉसिबल भी नहीं है, इतने सारे टिक्स होते हैं ड्यूरिंग द सेशन। तो ये तो ऐसा है कि यहाँ पे कोई वो प्रॉब्लम ही नहीं है जिस जो हमने अभी बात किया कि जब तक टाइम कंप्लीट ना हो। क्या होता है, जब तक टाइम फ्रेम कंप्लीट ना हो और हम कोई ट्रेड करें ना, उसमें क्या होता है, इम्पैक्ट कॉस्ट होता है, क्योंकि उसको टेक्निकली इम्पैक्ट कॉस्ट कहते हैं। जैसे आपका कोई स्ट्रेटेजी क्वालिफाई हुआ लेकिन टाइम फ्रेम कंप्लीट नहीं हुआ, तो आप उसको हैंडल करोगे। वो हैंडल करने में कुछ ट्रेड्स ऐसे होंगे जो चार्ट पे दिखे नहीं है, ठीक है। कुछ ट्रेड्स ऐसे होंगे जो चार्ट पे जो प्राइस दिखता है उस प्राइस पे मिलते नहीं है, तो वो एक कॉस्ट होता है वो ट्रेडिंग का, उसको इम्पैक्ट कॉस्ट कहते हैं। ये वो लोग ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं जो स्ट्रेटेजी बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, और कुछ लोग जो बिल्कुल सब्जेक्टिव ट्रेडिंग करते हैं और जजमेंट से ट्रेडिंग करते हैं, उन्हें ये समझ नहीं आता कि इम्पैक्ट कॉस्ट होते हैं स्ट्रेटेजीज के, लेकिन ये जरूर होते हैं। तो अब जब हम टिक चार्ट पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो जो प्रॉब्लम है वो एक तरह से एलिमिनेट होता है कि प्राइस आने के बाद वो जाएगा नहीं है, टिक एक बार आ गया अब ये जाएगा नहीं। अगर ये 1 मिनट होता तो 1 मिनट तक मूव होते रहता जब तक 1 मिनट कंप्लीट नहीं हो रहा है, लेकिन अब ये लॉक हो गया। तो ये एक तरह से बहुत अच्छा टाइम फ्रेम है टू ट्रेड, लेकिन इस फॉर्मेट में इसको ट्रेड करना बहुत मुश्किल है, मतलब ये काफी नॉइज है लाइन में उसको देखना। इसका कैंडल तो बन नहीं सकता बिकॉज अपने पास ओपन हाई लो क्रोज नहीं है हर टिक के पास, हर टिक एक ही प्राइस होता है, तो ये लाइन में उसको कन्वर्ट करना, ट्रेड करना कभी कभी डिफिकल्ट होता है। तो एक बहुत अच्छा तरीका है हमारे पास पी एंड एफ और रेंको चार्ट्स है कि हम ये टाइम फ्रेम में भी पैटर्न्स को देख सके। अब देखिए, ये पॉइंट एंड फिगर चार्ट सिंस मॉर्निंग, ये पूरे जो चार्ट दिख रहा है आपको ये टिक टाइम फ्रेम में है, ठीक है। ये टिक टाइम फ्रेम है, 1 मिनट नहीं, मतलब एक बार जो एक्स या ओ लॉक हो गया या आ गया वो लॉक्ड है, ठीक है। ये कहीं भी इसमें आने जाना ये प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज टाइम फ्रेम कंप्लीट हो, ये वेट करने का हमें जरूरत नहीं है। तो ये एक तरह से एक्शनेबल चार्ट है। अब आप देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट मतलब ये टिक में ये आप प्राइस पैटर्न अब रीड कर सकते हो। जैसे जिनको पी एंड एफ के पैटर्न पता है, यहाँ ट्रिपल टॉप बाय है, ये एंकर कॉलम है, ये फॉलो थ्रू है, यहाँ पे एबीसी का पॉसिबिलिटी एंड ऑल दैट, तो ये सारा चीज यहाँ पे पॉसिबल है। ये यहाँ पे डबल बॉटम सेल आया, तो ये जो यहाँ पे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज इंप्लीमेंट हो सकता है टिक चार्ट पे, यहाँ पे वो काइंड ऑफ इम्पैक्ट कॉस्ट जो है वो पूरी तरह से एलिमिनेट होता है। अगर कोई एल्गो ट्रेडिंग कर रहा है या कोई बिल्कुल ऑब्जेक्टिव ट्रेडिंग कर रहा है, उसके लिए टाइम फ्रेम बहुत ही यूजफुल हो सकता है, ठीक है। इसमें बहुत सारा जो डेटा है सिंस मॉर्निंग वो होता है इस टिक में, जो हमने लाइन फॉर्मेट में देखा वो पूरा एकदम मिनिमाइज करके सिंपल कॉलम्स में आ जाता है पॉइंट एंड फिगर चार्ट में, और बिल्कुल ब्रिक्स पे आ जाता है रेंको चार्ट्स में। तो ये टिक बेसिस रेंको चार्ट है ना। तो टिक चार्ट जो होता है यहाँ पे रेंको में भी आपके ये जो ब्रिक आते हैं, ये एक बार आ गया तो देयर इज नो क्वेश्चन के ये चला जाएगा या इसमें कोई रीपेंटिंग टाइप चीज होगा। तो अब हम लोग टिक टाइम फ्रेम को भी पूरी तरह से लेवरेज कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ पी एंड एफ एंड रेंको चार्ट। आप इसका ब्रिक साइज या बॉक्स वैल्यू बढ़ा दो तो इसमें से और नॉइस कम हो जाएगा, पोजिशनल ट्रेडिंग भी पॉसिबल है ना। तो आप सोचिए, कोई शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते कि टिक बेसिस पे पोजिशनल ट्रेडिंग करो और वो भी बिल्कुल नॉइस फ्री, जहां पे नंबर ऑफ ट्रेड्स भी कम हो। तो ये पॉसिबिलिटीज है, ये ऐसे कॉन्सेप्ट्स है जो शायद किसी ने सुने भी नहीं होंगे, लेकिन ऐसी चीजें जब आप ऑब्जर्व करते हो, इसको थोड़ा सा आप स्टडी कीजिए, ऐसी चीजें करने से हो सकता है आपको कोई एज मिले, कोई और
एडवांटेज मिले जहां पे स्ट्रेटेजीज को आप अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकते हो ऑन टिक टाइम फ्रेम ऑन वन मिनट एज वेल। अगर टिक बिल्कुल आपके लिए इतना जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल ऑब्जेक्टिव ट्रेडर नहीं है, तो वन मिनट इज ऑल्सो गुड इनफ। लेकिन ये स्ट्रेटेजीज ऑब्जेक्टिविटी की तरफ आपको ज्यादा ले जाता है, जहां पे आप रूल बेस्ड या डिसिप्लिन ट्रेडिंग जो है वो आप अच्छे से कर सकते हो एग्जीक्यूट। बिकॉज बहुत बार जब सब्जेक्टिविटी काफी होता है ना एनालिसिस में, तो नॉर्मली इमोशनल ट्रेडिंग ज्यादा हो जाता है ना, जजमेंट बेस्ड ट्रेडिंग ज्यादा हो जाता है, जो बैकटेस्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर ट्रेडिंग में ऑब्जेक्टिविटी हो, जो आप रूल बेस्ड ट्रेडिंग की तरफ अगर काम करना चाहते हो, तो वो ऑब्जेक्टिविटी के लिए ये सारी चीजें आपको बहुत हेल्प करेगी, और आपको हेल्प करेगी कि आप अच्छे से डिसिप्लिन ट्रेडिंग कर पाओ। आई थिंक सक्सेसफुल ट्रेडिंग के लिए और कोई अल्टरनेटिव नहीं है, हमें डिसिप्लिन या प्रोसेस ओरिएंटेड ट्रेडिंग ही करना चाहिए। ये टिक टाइम फ्रेम ट्रेड पॉइंट डेस्कटॉप में अवेलेबल है, अगर आपका डिफाइनेट सिक्योरिटीज में अकाउंट है तो वो आपको मिल जाता है, बिल्कुल फ्री है। आप टाइम फ्रेम तो ऐसे ही देख सकते हो, चार्ट्स यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हो। हमारा पर्पस ही यही है कि ऐसी चीजें ज्यादा लोगों तक बिल्कुल अफोर्डेबल तरीके से पहुंचाना, और जितना हो सके इनोवेटिव रिसर्च देना। रिसर्च स्टॉक मार्केट में, रिसर्च का मतलब होता है कॉल्स या टिप्स। मैं हम लोग उस मोड पे ज्यादा नहीं जाना चाहते, रिसर्च मतलब इंडीड रिसर्च, अच्छी अच्छी टेक्निक्स और स्ट्रेटेजीज पे काम करना और उसको लोगों को प्रोवाइड करना। तो ये जो टिक चार्ट्स है इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में, इवन मिड कैप्स में या स्मॉल कैप्स में भी। अगर पॉइंट एंड फिगर पे आप लगा रहे हो तो 0.15 या 0.25% बॉक्स साइज, या रेंको पे 0.25% ब्रिक साइज से आप देख सकते हो ऑन टिक चार्ट ऑल्सो, ऑफकोर्स ऑन वन मिनट एज वेल। और टिक चार्ट पे आप देख रहे हो, हम लोग लास्ट 6 डेज का टिक चार्ट का डेटा दिखाते, विच इज अज डेटा, उससे ज्यादा दे पाना मुश्किल होता है, बट वो सफिशियंट है बहुत बार, बिकॉज उतने में आपको इंपॉर्टेंट प्राइस इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। नॉर्मली आज के दिन में ही ज्यादा मूवमेंट होता है, तो वो टिक बेसिस पे तो लास्ट 2 दिन का डेटा भी बहुत बार सफिशियंट होता है। लेकिन कुछ इंडिकेटर्स प्लॉट करने के लिए थोड़ा ज्यादा डेटा चाहिए, तो हम 6 डेज तक हम प्रोवाइड करते हैं। सिर्फ कुछ इंस्ट्रूमेंट्स में आपको हो सकता है कि वो कॉलम्स 3-4 ही दिखे ऑन टिक साइज ऑल्सो, बिकॉज मूवमेंट ज्यादा नहीं है लास्ट 6 डेज में, तो कॉलम्स कम होते हैं या ये जो डेटा होता है वो कम होता है। लेकिन एग्जीक्यूट करने के लिए इवन सिंपल पैटर्न्स अगर आप टिक पे रीड करो, दे आर वेरी यूजफुल, और एक अलग आपको पर्सपेक्टिव देंगे कि आप उस एकदम लोएस्ट पॉसिबल जो टाइम फ्रेम हो सकता है वो अब आप देख रहे हो, और उसको आप ट्रेड कर सकते हो जहां पे कोई रिपेंटिंग के इश्यूज हो ही नहीं सकते, और बिल्कुल कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव है, और प्राइस पैटर्न को देखने का एक बहुत अलग तरीका है। तो आई होप आपको ये टाइम फ्रेम समझ में आया होगा। देखिए, ये जो हमने इंट्राडे के लिए बात किया ना अबाउट 1 मिनट 5 मिनट, ये सेम चीज ईओडी पे डेली वीकली मंथली पे भी होता है। मतलब वीक जब तक कंप्लीट ना हो तो आपको वेट करना पड़ता है ना, फ्राइडे को वो कैंडल लॉक होगा, ड्यूरिंग द वीक तो वो मूव होते रहेगा, तो आपके जो भी डिसीजन है ड्यूरिंग द वीक वो कैंडल को देख के या कोई इंडिकेटर्स को देख के वो चेंज हो सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि उसका एक इम्पैक्ट कॉस्ट होगा। इसलिए कभी कभी चार्ट वीकली मंथली पे अच्छे बहुत लगते हैं, लेकिन वो ट्रेड वैसे नहीं होते हैं, बिकॉज ड्यूरिंग द वीक और मंथ बहुत सारे मूवमेंट होते हैं, राइट, आपको उसको डील करना पड़ेगा। इसीलिए पॉइंट एंड फिगर या रेंको चार्ट में आप वीकली या मंथली टाइम फ्रेम पे भी प्लॉट कर सकते हो, लेकिन मैं रेकमेंड करता हूँ डेली टाइम फ्रेम, बिकॉज एंड ऑफ द डे वो एक्स या वो आ जाएगा, वो ब्रेक फॉर्म हो जाएगा, उसके बाद वो जाएगा नहीं, तो ये जो इश्यूज है वो मिनिमाइज हो जाएंगे और इम्पैक्ट कॉस्ट आपका कम हो जाएगा, ट्रेडिंग का ऑब्जेक्टिविटी जो है वो बढ़ेगा। तो ये सब हम लोग जो भी हम करते हैं ना, उसके पीछे एक होता है कि प्रमोट करे थोड़ा सा डिसिप्लिन ट्रेडिंग, प्रोसेस ओरिएंटेड ट्रेडिंग, बिकॉज इसी से जो है ना, मैं आपको बताऊं कि आप सक्सेसफुल हो सकते हो मार्केट में, कंसिस्टेंट सक्सेस अचीव कर सकते हो। तो दैट्स इट, आपको पर्पस था इस वीडियो का कि ये टाइम फ्रेम रिलेटेड चीजें और टिक चार्ट्स एक्सप्लेन करें। आई होप आपको टिक चार्ट्स भी समझ में आ गए, बहुत यूजफुल है, एक बार ऑब्जर्व करके देखिए, हो सकता है आपको उसमें कुछ अच्छी चीजें मिल जाए, और कुछ अच्छा ऑब्जर्वेशन हो तो हमें भी बताइए, हमें भी आपके कमेंट से बहुत कुछ सीखने मिलता है, और ये एक तरह से म्यूचुअल लर्निंग का ये पूरा प्रोसेस है जो हम डिफाइन एज में करते हैं। डिफाइन एज में बहुत सारे ऐसे यूजर्स भी है जो खुद बहुत सारी चीजें बिल्ड करते हैं, और हमें भी उनसे सीखने मिलता है। और आपके कोई कमेंट्स क्वेरीज है तो आज डिफाइन एज हैशटैग के साथ आप पूछे, हम उस पर वीडियोज बनाएंगे। ऑलरेडी मेरे पास अच्छा लिस्ट है, हम जरूर जल्दी जल्दी वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड सपोर्ट, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।